बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद किचन विद्रोह। तो आज किचन विद्रोह में बनाएंगे हम बहुत ही मज़े की मसाला मैक्रोनीस। तो मसाला मैक्रोनीस बनाने के लिए हमने सबसे पहले पैन लिया है, उसमें ऐड करेंगे हम घी। घी हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। साथ ही में हम 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर के लिए हमने इसको सौते करना है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। सौते करने के बाद जैसे ही हम ये कड़कड़ाएगा लहसुन हमारा, तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक छोटी सी प्याज ली थी हमने, जिसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं और बारीक बारीक हाथ से काट भी सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर नहीं है या ग्रेटर नहीं है। इसको हमने सौते करना है, इसको भी ब्राउन इसको भी नहीं करना है, यानी कि इसके ऊपर हमने कलर नहीं आने देना प्याज के ऊपर। तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए भून लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर मैंने चेंज नहीं होने दिया, मुसलसल हमने चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लिया है ताकि इसका प्याज का कच्चापन दूर हो सके। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। चिकन में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो। पिंच ऑफ मैंने नमक इसमें ऐड किया है, इससे जो हमारा चिकन है वो फीका नहीं बनता है, यानी कि चिकन के अंदर नमक चला जाता है तो बहुत मज़े का और यम्मी सा टेस्ट आता है चिकन के अंदर। एक मिनट के लिए मैंने चिकन फ्राई कर लिया है। अब देख सकते हैं कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा ऐड किया है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो। नमक ऐड करेंगे हम अपनी मसाले के हिसाब से। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही में इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे आमचूर पाउडर हमने लिया है, आप चाहें तो इसमें चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने आमचूर का पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा हम मसाले को फ्राई करेंगे। अभी पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, जो मसाले को हम ड्राई फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकलेगा। तो तकरीबन मैंने इसको 1/2 मिनट के लिए भूनना है। यहाँ पे हमने लिए थे टमाटर 2 बड़े, इसको हमने ऐड कर देना है। मैंने इसके छोटे छोटे स्लाइस काटे थे पीसीस, आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। इसको भी हमने पकाना है जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अभी इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। साथ ही में इसमें जाएगी चिली सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका ऐड करूंगी। वाइट विनेगर है वो हमने यूज़ किया है। मसाला हमारा जो है रेडी हो चुका है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च हमने कट किया है क्यूब्स में छोटे छोटे। साथ ही में बंद गोभी जाएगी। अच्छे से हम इसको सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको
थोड़ी देर के लिए सौते करना है और क्रंची क्रंची सा हमने इसको रहने देना है ताकि जो हमारी मैक्रोनीज में है इनका क्रंच आए। बहुत ही यमी लगता है इसका क्रंच। तो चिकन हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक केचप, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक टमाटर सॉस के ऐड किए हैं। अभी इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैक्रोनीज। फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। पहले से ही हमने बॉईल करके रख ली थी। पानी ले लेना है आपने, 2 चम्मच इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। थोड़ा सा नमक आपने इसमें ऐड करना है, उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं देखा, देखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहले अपलोड की हुई है मैक्रोनीज की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टफुल और जूसी सी हमारी जो है आप देख सकते हैं बहुत ही यमी सी मैक्रोनीज हमारी रेडी हो चुकी हैं और ऐसे जूसी आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। बहुत ही टेस्टफुल लगती हैं। अगर आप बनाना चाहें तो घर में बना के आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और यमी सा इसका टेस्ट होता है और ये ड्राई बिल्कुल नहीं होती, जूसी होती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।